सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया तो अनंत दिखावनहा। नीलांजन समावासम रविपुत्रम यमाग्रजाम, छायामार्तन शंभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। हर रोज आता हूं खुशियां देने के लिए, कभी कभी भावों में थोड़ा गरम भी बोल जाता हूं, क्योंकि दुख होता है, पीड़ा होती है अंदर में कि क्या हो रहा है, सनातन संस्कृति के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है। जिसको मन आज लगता है सनातन संस्कृति पे उंगली उठा देता है, हम लोग चुप रहते हैं। इसलिए चुप रहने का कतई मतलब ये नहीं कि हमें बोलना नहीं आता, लेकिन सनातन संस्कृति का आंचल बहुत बड़ा है, वो सबको समेटता है। नहीं बोलना कायरता नहीं है, या ऐसा नहीं कि हम बुद्धू हैं, नॉलेज नहीं, नॉलेज भी है, बोलना भी आता है, लेकिन हमारी मर्यादाएं ये कहती है कि अरे भाई जितना सहन कर सकते हैं उतना करते हैं, जब तक सहन करेंगे तब तक करेंगे, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित है, ये ध्यान रखिए। सनातन संस्कृति इतनी सुंदर जीवन पद्धति है, आप कभी अपना के देखो, आप क्या जानते हो सनातन संस्कृति के बारे में है? अरे हमारी सनातन संस्कृति कितना विशाल हृदय, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम प्राणियों को पूजते हैं, हम जिसे दुनिया डरती है हम सांप को पूजते हैं, हम पाषाण को पूजते हैं। हमारी दृष्टि तो देखो कि पाषाण में भी परमात्मा को परखने की दृष्टि कोई रखता तो सनातन धर्म का प्रेमी रखता है। चराचर जगत के प्रति हमारा सम्मान है, यह है सनातन संस्कृति का अद्भुत परिचय। आज तक का इतिहास रहा है समाज में जिसने भी नाम कमाया है सनातन संस्कृति के लोगों के बलबूते पे कमाया, लेकिन अंगुली सनातन संस्कृति में एक मिनट में उठा लेते। देखिए मैं गलत हो सकता हूं, सनातन संस्कृति नहीं, ज्योतिष एक महान विद्या है, कोई मदारी गिरी नहीं। मैं गलत हो सकता हूं, निज स्वार्थ के चलते मैं आपको अनर्गल बयानबाजी कर सकता हूं, लेकिन ज्योतिष एक महान विद्या है, जो यत ब्रह्मांड तत पिंड, पिंड और ब्रह्मांड के पे निर्भर है, ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकता है। ज्योतिष एक महान विद्या है, और ज्योतिष जब ज्योतिष की दृष्टि से ज्योतिष का अवलोकन करता है तो फलादेश बड़ा बहुत ही अद्भुत होता है। हाँ, जब कभी ज्योतिष में ज्योतिषी अपनी आंख लगा देता है स्वार्थवश, तब जाके कई परिणाम गलत आते हैं। इसलिए ज्योतिष को ज्योतिष की दृष्टि से देखें, प्रणाम बड़े अच्छे मिलेंगे। और मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, मैं पुजारी हूं सनातन संस्कृति की, सांस्कृतिक धरोहर का, इसलिए जो मुझे अनुभव में आता है यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, वही अनुभव आपको परोसने आता हूं। संभव है मैं गलत हो सकता हूं, मैंने कभी दावा नहीं किया। सेकेंड ओपिनियन आप लेने के लिए हमेशा आपको छूट दे रखिए, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या देखिए तो सही, यदि अच्छा लगता तो मानी वरना छोड़ दीजिए। हर रोज जाता हूं और आज भी आपके सामने, आज शुक्रवार का दिन है और माता लक्ष्मी का दिन है। किसको धन चाहिए, किसको वैभव होनी चाहिए, किसको सुख और समृद्धि नहीं चाहिए, सुख समृद्धि वैभव कैसे मिले, माता का वो विशेष मंत्र बताऊंगा, साथ ही आज जीवन मंत्र बताऊंगा, और यदि खूनी बवासीर है, ब्लड आ रहा है पाल्स से, देसी नुस्खा भी बताऊंगा और धनवर से उपाय भी बताऊंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यदि नुस्खे बता रहा हूं तो कोई बहुत बड़ा आयुर्वेद आचार्य, मंत्र बता रहा हूं कोई मंत्र वेता नहीं, और ज्योतिष बता रहा हूं तो कोई बहुत बड़ा ज्योतिष आचार्य नहीं। साधारण सा प्राणी हूं, राष्ट्र का सेवक हूं, दिल से सेवा करने आता हूं, तब भी कहीं गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा जरूर करें, क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मानवीय गुण मेरे में है, मैं दैवज्ञ नहीं हूं, सर्वज्ञ नहीं हूं, एक साधारण सा प्राणी हूं, भक्ति के मार्ग पर निकला हूं, ईश्वर की सेवा में मेरा मन अच्छा लगता है, यही प्रयास मैं रात दिन करता हूं। साधु मैं अपने कल्याण के, और साधुत्व के इस मार्ग पे चलते हुए कहीं भटक जाऊं तो आपसे सहयोग की आशा करता हूं, क्योंकि साधारण मनुष्य, मुझे दावे करना नहीं आता, तर्क करना नहीं आता, विवाद करना नहीं आता, मेरे हृदय के जितने भाव है मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। चलिए शुक्रवार के पंचांग की बात करते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया, विक्रम संवत 2071 ज्येष्ठ मास की 17 प्रविष्टि, सक संवत 1937 ज्येष्ठ 9, तद अनुसार शुक्रवार 30 मई सन 2014
शुक्रवार का प्रातकालीन नक्षत्र, मरक्षिरा नक्षत्र चंद्रमा वृषभ राशि में, और शुक्रवार का राहु काल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे तक। राहु काल तो शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। नमो नारायण। और बात करते हैं शुक्रवार की यात्रा की। शास्त्र कहते हैं कि शुक्रवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छी मानी गई है, और शुक्रवार के दिन दही में गुड़ डालकर सेवन करके यात्रा पर निकले, और यात्रा से पहले श्रद्धानुसार दही कंजकों को दान में दे दिया जाए तो कहते हैं यात्रा बड़ी शुभ रहती। किसी भी दिशा में यात्रा करो, दही खाकर और दही बांटकर, दही का दान देकर यात्रा पर जाइएगा। नमनन। और बात करते जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है। यदि आज आपका जन्मदिन है, आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है, तो दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव शनिदेव आपकी रक्षा करें, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 30 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं कोई परेशानी है तो लगातार 43 दिन तक 2 किलो आलू पानी में उबालकर 2 चुटकी अंदर ही हल्दी डाल दीजिए, और ठंडा करने के बाद गाय को अपने हाथ से खिला दीजिए। ये 43 दिन रेगुलर करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। और बात करते शुक्रवार के जीवन मंत्र की। साधनाओं पर बहुत कम बोलता हूं क्योंकि साधनाएं बोलने का विषय नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा तो फिर मैं कह जरूर कहूंगा। साक्षी भाव की साधना क्या है तो समर्पण है। अष्टांग योग में जब आप थोड़े से ऊपर जाएंगे तो लिखा है कि साक्षी भाव से साधना करो, मस्तिष्क हृदय इससे नीचे आकर जीवन केंद्र का स्मरण करो, नाभि अवस्थित जीवन के नाभि पे नहीं, नाभि से थोड़ा सा नीचे जीवन केंद्र है उसका निरंतर स्मरण करो तो साक्षी बनने की घटना अपने आप घट जाएगी। कैसे स्मरण करें, तांदेन को कैसे जागृत करें, नाभि से नीचे जो जीवन केंद्र है उसको कैसे जागृत करें, इस ये विषय बड़ा अनुभव का है। और गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे गुरु महाराज ने ज्ञान दिया, यदि कभी जानना चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए 9414124600 संपर्क कर देना। मैं जो कहने जा रहा हूं वो बड़ा अद्भुत है। जीवन केंद्र की बात करता हूं और जीवन केंद्र भीतर में है, और जब तक भीतर का भेद कोई समझा नहीं देगा तब तक जीवन केंद्र समझ में नहीं आएगा, और जीवन केंद्र समझ में नहीं आएगा तो आनंद और परमानंद की प्राप्ति नहीं होगी। सारा सब कुछ जीवन केंद्र के आसपास, और ये जीवन केंद्र के पास कैसे आए, साक्षी भाव कैसे हो, सदगुरु की शरणागत के बिना समझ में नहीं आता मेरे बच्चे। मेरी गुरु महाराज ने मुझे समझाया तभी मैं जान पाया हूँ। यदि वास्तव में कोई ऐसा सच्चा सदगुरु मिले जो जीवन केंद्र के आसपास लाए, वो कोई 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 मंत्र कोई माला नहीं दे, वो एक ऐसी विधि है, ऐसी टेक्निक है जो भगवान शिव ने पार्वती को सिखाया था, मेरे गुरु महाराज ने मुझे सिखाया। यदि आप जानना चाहते हो तो आपका स्वागत है। विशेष सुझाव खूनी पाइल्स का देसी नुस्खा और बस धन भर से उपाय। आज शुक्रवार का दिन है भाई, और शुक्रवार के दिन धन की देवी लक्ष्मी की आराधना का दिन है। रात के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम उमाय नमः इस मंत्र का जाप करते मां भगवती लक्ष्मी के शीर्ष चरण में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर ले। बड़ा सरल बड़ा शुभ। पहले मां लक्ष्मी की श्रद्धा पर पूजा करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, पंचोपचार पूजा करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठिए, गुलाब के पुष्प अपने सामने रख दीजिए, ओम उमाय नमः मंत्र का जाप करते गुलाब के पुष्प माँ के सिर चरणों में अर्पित, ऐसे 108 गुलाब के पुष्प अर्पित करी, संपूर्ण मनोकामना पूरी होगी। नमो नारायण। कुछ लोग मुझसे कहते हैं दाती महाराज हमारे त्योहारों में विभिन्नता है, लेकिन दीपावली की यदि आप चर्चा करें तो दीपावली में क्यों इतनी साफ सफाई रंग और पुताई की जाती है, क्यों याद की जाती है? भाई माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ दिन है दीपावली। उस दिन जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो इतने अलौकिक होते हैं कि उस दिन यदि माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए तो धन का भंडार बढ़ता है, कुबेर प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। यदि दीपावली दिन जो व्यक्ति जो इंसान विधि विधान से देवी लक्ष्मी की पूजा करता है उसके पास पैसों की समस्या नहीं रहती, ऐसी मान्यता है। और यह भी मान्यता है कि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीपावली से पहले घर की सफाई की जाती है, रंगाई की जाती है, पुताई की जाती है। दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हर घर की रंगत बदल जाती है, हर घर सज जाता है, नए रूप में तैयार हो जाता है,
और ये मान्यता है कि दीपावली दिन घरों की सुंदर रूप देने में लाल माँ लक्ष्मी की कृपा होती, जो सबसे ज्यादा सुंदर घर होता है, कहते लक्ष्मी का प्रवेश वहां सबसे पहला होता है। जहां सुंदर घर रहेगा वहां लक्ष्मी का निवास रहेगा, हमारा जीवन सुखी रहेगा, समृद्धशाली बनेगा। इसी मान्यता को आधार में रखते हम दीपावली नया रंग रूप देते हैं। और साथ में क्योंकि यदि साल में एक बार आप अपने घर की पोताई कर देते हैं, रंग रोगन कर देते हो, तो कीड़े मकोड़े जितनी भी बीमारियां वो भी दूर हो जाती है। स्वच्छता, और स्वच्छता में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमारे ऋषि मुनि बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत सुंदर तरीके से धर्म को विज्ञान के साथ जोड़ा। ठीक है, धीरे 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 लोग भूलते गए, वो बातें पता नहीं है। अब आप जानते होंगे कि पीपल पूजन की बात करें, यदि साधारण मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पीपल के पास रहेगा तो वो बहुत निरोग रहेगा, क्योंकि उसे उसके भीतर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और जब ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में ज्यादा रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, तो शरीर स्वस्थ रहता है। पीपल के पेड़ को कोई काटे नहीं, पूजा के साथ जोड़ा है। हमारे ऋषि मुनि विज्ञान को ध्यान में रखकर काम किए कि वो प्रभावशाली कैसे रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे ऋषि मुनि कोई कपोल बात कर देते थे। इसलिए सनातन संस्कृति का खिलवाड़ नहीं करिए। ठीक है, हम लोग नहीं बोलते, काम की बात बोली और चले गए, और मेरे को तो माफ भी करिए, मैं तो कभी इस तरह की चर्चाएं करता नहीं। लेकिन ठीक है, दिल में जब आ जाता तो मैं कह देता हूँ, लेकिन मुझे तर्क वितर्क आता नहीं, मुझे क्षमा करें भाई। मैं तो कहता हूँ कि आप करके देखो, लाभ मिलता तो मानो, नहीं तो छोड़ दो। बात करते हैं आज के सुझाव की। आज शुक्रवार का दिन है और आप चाहते हैं कि आज के दिन आपके घर में कोई परेशानी नहीं आए, तो 12 के 12 राशि के लोग चावल और श्वेत वस्त्र किसी सदाचारी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा, घर में सुख शांति रहेगी। नमन। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। यदि खूनी दस्त या खूनी पाइल्स है तो उपचार के लौकी का छिलका उतार कर बारीक पीस लीजिए। लौकी का छिलका उतार कर बारीक पीस ली, उसमें 10 ग्राम की मात्रा ताज़ा पानी के साथ एक सप्ताह सेवन करिए। लेकिन भोजन में खाली खिचड़ी खाई, पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिल जाएगी, ऐसा टोटका है। खूनी पाइल्स में जीरा, सौंफ और धनिया एक एक चम्मच तीनों ले लीजिए, एक गिलास पानी में डाल दीजिए, आधा एक गिलास पानी में, जब पानी आधा रह जाए उबाल कर उस एक कप में छान कर थोड़ा सा देसी घी डालकर रोगी को पिला दी, कम से कम दिन में 2 बार पिलाई, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। नमो नारायण। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, ये सारे नुस्खे आपको www.sanidham.in पे मिल जाएंगे। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के धन वर्ष उपाय पर। यदि लाख कोशिश के बाद भी जेब खाली रहती है, बटुआ खाली रहता है, कारोबार में बढ़ोतरी नहीं होती, कारोबार में गति नहीं आ रही है, तो मंगलवार के दिन लाल कपड़ा लीजिए, 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी, 1 जटा वाला नारी, 11 मुठी चावल, 1 मोती शंख पोटली बना दी। इस पोटली को श्रद्धानुसार पंचोपचार पूजन करें, कुंकुम और केसर का तिलक करें, तत्पश्चात श्रद्धानुसार दक्षिणा के साथ किसी मंदिर या सदाचारी ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। आप करके देखिए, धन मिलेगा और परेशानियों का निवारण होगा। ये टोटके अद्भुत, मानो न मानो आपकी मर्जी, मैं दबाव नहीं डालना चाहता, लेकिन करके देखो, लाभ जरूर मिलेगा। ये सारे टोटके आपको मेरी वेबसाइट में मिल जाएंगे www.sanidham.in। आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने दाती गुरुमंत्र जन्मकुंडली बनाई। ये दाती गुरुमंत्र जन्मकुंडली संपूर्ण आपकी समस्याओं का समाधान है। दाती गुरुमंत्र जन्मकुंडली में सारे ज्योतिषीय गणना है, सारे सिद्धांत अपनाए हैं, वर्षफल है, फलादेश है, रत्नों के बारे में है, मांगलिक विचार है, साढ़े साथी के बारे में है, न्यूमरोलॉजी के बारे में है, प्रत्येक ग्रह का उपाय है, कालसर्प योग के बारे में है। घर बैठे दाती गुरुमंत्र जन्मकुंडली मंगाई, आपको संपूर्ण समस्याओं का समाधान। दाती गुरुमंत्र जन्मकुंडली के लिए सबसे सुंदर व्यवस्था है www.sanidham.in पे जाकर देख लीजिए कि वेबसाइट में क्या व्यवस्था लिखी। फेसबुक पे चलिए, श्री सनिधाम, शनि शत्रुघ्न मित्र पे चलिए, वहाँ भी जानकारी, नहीं तो 9910692001, 9910692001 या 9414124600 संपर्क करके संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। और कहना चाहता हूँ, भाव से चलना, कपट नहीं रखना, भेद नहीं रखना, गांठे मत रखना, श्रद्धा भाव से। अब हम चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। नमो नारायण। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम
तम नमामि शनेश्चरम। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन की, प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन सदा खुशियों से पर भरा रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना, शनिदेव से मेरी प्रार्थना, मेरा आशीर्वाद आपके साथ। गुरुवाणी में आज इतना ही, कल जब आऊँगा तो भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र बताऊंगा, जीवन मंत्र बताऊंगा, सुझाव बताऊंगा, देसी नुस्खे बताऊंगा, धन्वर से उपाय बताऊंगा, लेकिन आज इतना ही। छूट जाता है तो www.shanidham.in या फिर मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र है। नमो नारायण।